रोटरी क्लब नरसिंहपुर के अध्यक्ष बने मनीष जैन। जी हाँ, रोटरी क्लब द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए जाते हैं। पूर्व में भी कोरोना काल में देखा गया कि रोटरी क्लब द्वारा लोगों की हर संभव मदद की गई, साथ ही कई ऐसे बच्चों का भी रोटरी क्लब द्वारा सहयोग किया गया जिनके हृदय में डॉक्टरों ने छेद बताया था। अब नरसिंहपुर में रोटरी क्लब का दायित्व समाज सेवी मनीष जैन, जो कि कमल स्टोर के संचालक भी हैं और जिले के बड़े व्यापारियों में इनका नाम शुमार है, संभालेंगे। बहुचर्चित व्यक्तित्व के धनी मनीष जैन द्वारा आज से ही रोटरी क्लब की कमान संभाल ली गई। रोटरी क्लब के प्रतिष्ठापन समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने मनीष जैन को अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि यह वर्ष मनीष जैन के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष लगातार ही रोटरी क्लब के अध्यक्षों द्वारा मानव सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब अपने एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा को लेकर आगे बढ़ रहा है। डाउट था कि कर पाएंगे, तो इसमें कमिटमेंट भी बहुत चाहिए, अच्छा भी बहुत, और जिस जज्बे के साथ जो देश और उसकी पूरी टीम ने काम किया, मयंक ने काम किया, मैं तो कहूंगा उन्होंने जो मापदंड स्थापित कर दिए रोटरी के, मनीष तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तुमको वो चैलेंज। तो वहीं रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं MIMT कॉलेज के चेयरमैन रुद्रेश तिवारी ने भी मंच से मनीष जैन को बधाई देते हुए कहा कि रोटेरियन परिवार के सदस्य अपने घर के बाद रोटरी क्लब को ही अपना परिवार मानते हैं और एक बार जुड़ने के बाद कोई इसे छोड़ने की चाहत नहीं रखता। मानव सेवा के उद्देश्य से निस्वार्थ भाव से सभी सदस्य एकजुट होकर मानव सेवा में लगे रहते हैं। और उन्हें पूरे एक साल में उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर मिला कि उनके कार्यकाल में जो एक सपना होता है उनके अध्यक्ष का, मैं अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में मेरे साथ रूप लेने में उन्हें ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होती है। महेश साहू जी को एक खुशनसीब अध्यक्ष है जिनके कार्यकाल में नरसिंहपुर के भारत वर्ष में रूप ने रेखांकित किया और तकरीबन 20,000 लोगों को हम लोगों ने तनखा साहब के माध्यम से चिरायु हॉस्पिटल के माध्यम से राहत पहुँचाई। आज रोटरी एक ऐसा संगठन है और हम सब पेशेंट लोग इस बात को की शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार के बाद अगर कोई आता है तो रोटरी है, जैसा विचारधारा के लोग शामिल है, परंतु जब रोटरी के मंच पे आते हैं तो शहर में देखता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी एक टीम है जो केवल और केवल समाज सेवा के लिए आप सभी ने आकर यहाँ पर जो मुझे स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आगे जो काम जितने होंगे उसको पूरा और आगे बढ़ाने की कोशिश